खबर ललितपुर से है, जहां पूर्ति विभाग एवं खास सुरक्षा विभाग ने ललितपुर छासी नेशनल हाईवे 44 पर ग्राम महारा के पास टोल प्लाजा पर संयुक्त रूप से की गई छापेमारी से टोल प्लाजा पर तैनात स्टाफ में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान यहां पर अवैध रूप से संचालित कैंटीन से 4 इंडियन के अवैध गैस सिलेंडर पूर्ति विभाग ने बरामद किए। पूछताछ के दौरान टोल प्लाजा प्रबंधन गैस सिलेंडर के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके साथ पूर्ति विभाग के निरीक्षण में अखबार के कागजे में लिपटी हुई यह रोटियां बरामद हुई, जो टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए खिलाई जा रही थी। इसके साथ ही कैंटीन से तेल मसालों के सैंपल भरकर जांच के लिए भिजवाए गए। इसके संबंध में टोल प्लाजा प्रबंधक ज्योति शंकर खिलाफ 3/7 ECE एक्ट में मामला भी दर्ज कराया गया। इस मामले में पूर्ति अधिकारी विजय प्रभा ने बताया कि शिकायत तो मिली थी कि यहां पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए कार्यवाही की गई। कार्यवाही में 4 सिलेंडरों को जब्त किया गया है। टोल प्लाजा पर यह कार्रवाई छापामार विभागों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह भी जरूर लगाती है, क्योंकि टोल प्लाजा पर विगत कई वर्षों से स्टाफ तैनात है और वहां पर यह कैंटीन कई वर्षों से संचालित है, जो टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों की खाने पीने के प्रबंध के लिए संचालित की जा रही। इसके बावजूद जिला पूर्ति विभाग और खाद्य विभाग ने पिछले कई वर्षों में कभी कोई छापेमारी नहीं की, जबकि इन दोनों ही विभागों में कई अधिकारी और कर्मचारी वर्षों से जमे हुए हैं। इस कार्रवाई को किसी अन्य मामले से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जो नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज क्या कार्रवाई की गई है, क्या छापा मार, क्या शिकायतें मिली थी? अभी यहाँ शिकायत मिली थी जिलाधिकारी महोदय से कि यहाँ पे डोमेस्टिक सिलेंडरों का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। मौके पर टीम के द्वारा जाँच की गई तो यहाँ पे 4 सिलेंडरों का उपयोग होता पाया गया है। उनको सबको जब्त करके आपसे कार्रवाई की जा रही है।